जय हिंद, मैं रजित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ न्यूट्रिशंस पे। आज हम पढ़ेंगे 21 अगस्त से 27 अगस्त तक के वीकली करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। यहाँ आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन और PDF मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, विच स्टेट लॉन्च विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट, मतलब किस राज्य ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है। तो आपका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार, असम, पंजाब। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, असम। जी हाँ, असम के चीफ मिनिस्टर हेमंता बिश्वा शर्मा द्वारा विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इसके तहत जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं उनको एलिमेंट्री एजुकेशन दी जाएगी 10 महीने की। और साथ ही आपको बता दें कि जो इसकी शुरुआत है वो शुरुआत कहाँ की गई, मतलब ये लॉन्च इस परियोजना की जो शुरुआत कहाँ की गई थी, शुरुआत की गई थी घोषणा जिसे कह सकते हैं आप, वो घोषणा की गई थी गुवाहाटी हाई कोर्ट में जो कि असम के अंदर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी सिटीज हैव रिसेंटली डिक्लेयर्ड देमसेल्फ एज सफाई मित्रा सुरक्षित शहर, हाल ही में कितने शहरों ने खुद को सफाई मित्रा सुरक्षित शहर घोषित किया है। तो आपके ऑप्शन है 100, 250, 500, 800। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, 500। गवर्नमेंट डेटा के अनुसार 500 शहरों ने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया है सफाई मित्रा सुरक्षित शहर में। और आपको बता दें ये किसके द्वारा किया जाता है, ये कराया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा। और ये इस परियोजना की शुरुआत है वो भी की गई है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और आपको बता दें ये शुरुआत कब की गई थी, ये शुरुआत की गई थी 19 नवंबर 2020 को। किस दिन, उसी दिन के दिन वर्ल्ड टॉयलेट डे के दिन, मतलब क्या है 19 नवंबर को ही हम वर्ल्ड टॉयलेट डे भी मनाते हैं और उसी दिन सफाई मित्रा सुरक्षा चैलेंज जो है इसकी शुरुआत की गई थी। और शुरुआत में इसकी जो इसके अंदर टोटल शहर थे वो 243 सिटीज के थी, और बाद में अब हो गई हैं, अब कितनी हो गई हैं 500 हो गई हैं। और इसका जो चैंपियंस हैं ना, जैसे 500 शहर इसके अंदर डिक्लेयर कर दिया आपने कोई सफाई मित्रा सुरक्षित शहर के अंदर डिक्लेयर करा गया है, पर क्या नाम है टाइम पीरियड क्या कितना रखा गया था, मतलब ये भी है कि आप कब तक आप अपने आपको ये डिक्लेयर कर सकते हो। तो आपको बता दें इसका टाइम पीरियड था वो था 19 नवंबर टू अगस्त 2021 तक, मतलब 19 नवंबर 2020 से लेकर अगस्त 2021 तक आप इस टाइम के बीच में अपने आप को सफाई मित्रा सुरक्षित शहर घोषित कर सकते हो आप। कब, जब आप ये कंडीशन जो होती है, कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कौन सी है, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी होनी चाहिए आपके अंदर, आपकी जो सिटी है उसके अंदर इक्विपमेंट नॉर्म्स होने चाहिए उसके अंदर, और मैन पावर होनी चाहिए किसके अंदर, क्या है ना आपके शहर के अंदर, तभी आप अपने आपको सफाई मित्रा सुरक्षित शहर परियोजना के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उड़ान देश उड़े देश का आम नागरिक इज अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री, उड़ान किस केंद्रीय मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है। तो आपका ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मतलब विदेश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मतलब गृह मंत्रालय। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की यह फ्लैगशिप स्कीम है जिसका नाम है उड़ान, जिसके तहत इन्होंने 5 साल कंप्लीट कर ली हैं 2022 के अंदर। और आपको बता दें इसकी जो शुरुआत है वो 2017 में की गई थी। और इसमें क्या किया गया था, इसमें एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर और एयर कनेक्टिविटी कराई गई, तैयार की गई थी या बढ़ाई गई थी, आप समझ लीजिए बढ़ाई गई थी इस उड़ान के तहत। आपको बता दें 141 एयरपोर्ट्स ऑपरेशंस कर दिए गए हैं अब तक, मैं 2022 का डेटा आपको बता रहा हूँ 2022 तक। और आपको बता दें कि 2014 तक जो थे खाली 74 एयरपोर्ट्स थे, जो बढ़े कितने हो गए 141 एयरपोर्ट्स हो गए हैं 5 साल के अंदर। और साथ ही 425 नए रूट्स ओपन कर दिए गए हैं इसके इस स्कीम के अंडर। और आपको बता दें कि 5 साल में टोटल 1 करोड़ पैसेंजर्स हैं उन्होंने ट्रेवल किया है फ्लाइट के अंदर। तो ये किस लिए फ्लाइट, ये 1 करोड़ लोग कैसे हो पाए हैं,
ये रीज़न ये नहीं कि फ्लाइट सस्ती हुई, इसमें ये भी, ये तो प्राइस जो होते हैं वो भी इतने खूब कम है, उसका ये भी एक रीज़न कर दिया है। और दूसरा रीज़न ये है कि जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ गई है। मतलब पहले आपका एक लिमिटेड कनेक्टिविटी थी जिसके कारण लोगों को इतना अच्छा लगता नहीं था, और साथ में जो कॉस्टली बहुत था। पर क्या हुआ, जब कनेक्टिविटी बढ़ जाती है ना तो क्या लोग ज़्यादा आते हैं, लोग ज़्यादा आते हैं तो कॉस्ट होती है वो अपने आप कम हो जाती है। इसीलिए ठीक है, तो इसीलिए इस कनेक्टिविटी बढ़ने के कारण 1 करोड़ पैसेंजर्स ने ट्रेवल किया है फ्लाइट्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट लॉन्च ए नेशनल मिशन टू मेक इंडिया नंबर वन, मतलब किस राज्य ने भारत को नंबर वन बनाने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन लॉन्च किया है? तो आपका ऑप्शन है गुजरात, न्यू दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटका। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली। दिल्ली चीफ मिनिस्टर एंड आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल द्वारा इस नेशनल मिशन टू मेक इंडिया नंबर वन मिशन लॉन्च किया गया है, और इसके तहत उन्होंने 5 कंडीशन रखी हैं। उसमें जो पहली कंडीशन वो है, जो 25 करोड़ बच्चे हैं उन सभी को फ्री में और अच्छी एजुकेशन पर दी जाए, साथ ही में सभी को फ्री में स्वास्थ्य सेवाएं और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएं। और तीसरी कंडीशन जो है वो है, सभी युवाओं को नौकरी दी जाए। और चौथी जो कंडीशन उन्होंने बताई है, उन्होंने ये बताया गया है कि जो हमारे किसान हैं उनको कंपनसेशन, मतलब कुछ राहत कोष दिया जाए, और साथ ही में हमारी जो महिलाएं हैं उनका सम्मान किया जाए। और जो आखिरी 5वीं कंडीशन इसके अंदर रखी गई, वो रखी गई है इक्वलिटी एंड सिक्योरिटी, मतलब समानता और सुरक्षा दी जाए सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन रिकमेंडेड एज द चेयरमैन ऑफ नवार्ड बाय FSIB? FSIB द्वारा नवार्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे अनुशंसित किया गया है? तो आपका ऑप्शन है सरदार कुमार होता, मोहम्मद मुस्तफा, केवी कामत या शिव सुब्रमण्यम रमणन। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, मोहम्मद मुस्तफा। तो आपको बता दें, फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूट ब्यूरो, मतलब FSIB द्वारा रिकमेंड किया गया है मोहम्मद मुस्तफा को एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, मतलब नबार्ड का। और आपको बता दें, ये जो FSIB है इन्होंने रिकमेंड किया है, पर डिसीजन है वो कौन लेगा, वो डिसीजन हो वो जो ले फाइनल डिसीजन वो लेंगे, वो लेगी द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, मतलब द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट जो है वो फाइनल डिसीजन लेगी। पर रिकमेंडेशन FSIB द्वारा किया गया है इनका। और साथ ही बता दें, जो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट है इसके जो हेड होते हैं वो हैं, इस टाइम प्रेजेंट हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। और आपको इस साथ आपको बता दें, जो FSIB के चेयरमैन हैं उनका नाम है भानु प्रताप शर्मा है, ठीक है। और अब ये आप फोटो है, ये मोहम्मद मुस्तफा का फोटो है, आप देख सकते हैं इनका फोटो। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच यूनियन मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट्स नमस्ते सेंटर सेंट्रल सेक्टर स्कीम, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय नमस्ते केंद्रीय क्षेत्र की योजना लागू करता है? तो आपका ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मतलब विदेश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मतलब सामाजिक न्याय और आर्थिक मंत्रालय, आधिकारिकता मंत्रालय, या मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मतलब ग्रामीण विकास मंत्रालय, या आपका ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मतलब गृह मंत्रालय। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मतलब सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय। चलिए आगे बताते हैं आपको, जो नमस्ते स्कीम है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा, दोनों के द्वारा मिलकर चलाई गई है, मिलकर ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है। किस लिए किया गया है ये, इस इनिशिएटिव के तहत जो ये वर्कर्स हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं फोटो में ये सीवेज वर्कर हैं और ये फैक्ट्री में जो काम करने वाले हैं, इनकी सेफ्टी के लिए, इनकी डिग्निटी के लिए, ठीक है, इनकी डिग्निटी के लिए ये परियोजना शुरू की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंडला बिकम एन एंटायरली फंक्शनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री इज लोकेटेड इन विच स्टेट, मतलब मंडला देश में पूरी तरह से कार्यात्मक साक्षर जिला बन गया है, किस राज्य में स्थित है? तो आपका ऑप्शन है केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश, न्यू दिल्ली। तो
सही आंसर आपका है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश का ट्राइबल जो एरिया है, मंडला जो जिला है, वो अब पूरी तरह से फुल्ली फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बन गया है बा इंडिया का। और आपको बता दें 2020 में जो रिपोर्ट आई उसमें बताया गया था कि 2.25 लाख जो हैं इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो लिटरेट नहीं थे, मतलब पढ़े लिखे नहीं थे। और पर अब ये जिला क्या हुआ है कि इसमें अपने आप को घोषित कर दिया कि सभी मतलब फंक्शनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। तो इसमें क्या हुआ, सभी मतलब पूरी तरह से सब पढ़े लिखे हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस अनवील्ड। भारत की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रॉनिक बस का अनावरण कहाँ किया गया था? तो आपका ऑप्शन है केरल, गुजरात, मुंबई, न्यू दिल्ली। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी मुंबई। जी हाँ, यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी द्वारा भारत की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस का उद्घाटन मुंबई के अंदर किया गया था। और आपको बता दें ये बस है वो कौन सी कंपनी की है, ये कंपनी है अशोक लेलैंड, ठीक है, उनके द्वारा ये बस बनाई गई थी। पर आपको बता दें ये अशोक लेलैंड की एक कंपनी है, सब्सिडी है स्विच, उसके द्वारा बनाई, स्विच कंपनी इसने बनाई है। और है किसकी कंपनी, ये सब्सिडी है अशोक लेलैंड की, ठीक है। और इसका जो नाम है वो स्विच EIV 2022 है। और आपको बता दें ये लो फ्लोर, मतलब आप देखते हैं इसकी ऊंचाई भी कम है और ये डबल डेकर बस है। आप देखते हैं मुंबई में बहुत ज़्यादा डबल डेकर बस फेमस है, है ना, वैसे ही ये डबल डेकर बस है। पर वहाँ क्या होती है, वो नॉन पहले आती थी, वो अब नॉन एसी आती थी, और साथ ही वो पुरानी हो गई हैं, और वो हमने पुरानी हो गई हैं तो क्या है, अब उनको रिप्लेस करा जाएगा इन बसों द्वारा। और ये एक तो इलेक्ट्रिक की पावर्ड है और साथ में ये फुल्ली एसी भी हैं। इसमें डबल डेकर मतलब होता है कि इसमें दो डेक होते हैं, नीचे डेक होता है, अपर डेक होता है, यहाँ भी लोग बैठ सकते हैं और ऊपर वाले डेक में भी लोग बैठ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू सेट अप ग्रामीण आजीविका पार्क, मतलब रूरल इंडस्ट्रियल पार्क। किस राज्य सरकार ने ग्रामीण आजीविका पार्क मतलब ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो आपका ऑप्शन है केरल, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। जी हाँ, छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण आजीविका पार्क की जो ग्रामीण रूरल इंडस्ट्रियल पार्क है इसके ओपन करने का योजना शुरू की है। इसके तहत क्या होगा कि रूरल इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए 300 ऐसे पार्क खोले जाएंगे, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, जो पहला पार्क होगा छत्तीसगढ़ के अंदर वो कहाँ खोला जाएगा, वो खोला जाएगा कनकर डिस्ट्रिक्ट, जो कि कनकर डिस्ट्रिक्ट में जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ती है। और इसका नाम जो पार्क है उसका नाम क्या रखा जाएगा, वो पार्क का नाम रखा जाएगा गांधी ग्राम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन दी चिप 4 मीटिंग अलॉन्ग विथ USA, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ चिप 4 बैठक में कौन से देश शामिल हैं? तो आपका ऑप्शन है ताइवान, साउथ कोरिया, जापान। आपका ऑप्शन बी है चाइना, ताइवान, साउथ कोरिया। ऑप्शन सी आपका है थाईलैंड, ताइवान, साउथ कोरिया। ऑप्शन डी आपका है ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ताइवान। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए ताइवान, साउथ कोरिया, जापान। जी हाँ, जो चिप 4 कंट्रीज हैं उसमें आती हैं आपकी यूनाइटेड स्टेट मतलब USA, ताइवान, साउथ कोरिया, जापान। ये चारों कंट्रियाँ चिप 4 कंट्रीज हैं। और ये क्या करेंगी, ये सब चारों कंट्रियाँ क्या हैं, मिलके माइक्रो चिप्स जो होती हैं उनका मैन्युफैक्चर करेंगी। और आपको बता दें कि ताइवान में सेमीकंडक्टर बनाने वाली सबसे बड़ी कंट्री है, मतलब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर कोई सेमीकंडक्टर बनाता है वो है ताइवान, और दूसरे नंबर पे आता है चाइना। तो इसलिए क्या अब यह समझ लीजिए कि कंडीशन क्यों करा गया है, ऐसा है कि जब मार्केट अलग फैलेगा तो इस टाइम आप जानते ही हैं कि जो सेमीकंडक्टर है जो माइक्रोचिप्स की है उनका शॉर्टेज चल रहा है वर्ल्ड में, और इसी कारण की चीज़ महंगी भी हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है वो महंगी हो रही है, आपको मिल रही है। उसका रीज़न ये है कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो गई है और प्रोडक्शन कम हो गया है। तो अब क्या करेंगे, ये चार मिलके इसका प्रोडक्शन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दही हांडी हैज बीन अनाउंस्ड एज द ऑफिशियल स्पोर्ट ऑफ विच स्टेट, मतलब दही हांडी को किस राज्य का आधिकारिक खेल घोषित किया गया है? तो आपका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात,
महाराष्ट्र। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। जी हाँ, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे द्वारा दही हांडी को ऑफिशियल स्पोर्ट्स मान लिया गया है महाराष्ट्र का। और आपको बता दें जो गेम होगा वो क्या नाम रखा गया, इसका नाम रखा गया प्रो हड्डी प्रो दही हांडी कॉम्पिटिशन रखा गया। और साथ ही आपको बता दें महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस जो दही हांडी प्रोग्राम होगा इसके अंदर जो गोविंदास होंगे, जो मतलब प्लेयर्स आप कह दो अब तो प्लेयर जो होंगे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उनको जॉब प्रोवाइड की जाएगी। किसके तहत? जॉब अंडर दी स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर इनको नौकरी दी जाएगी। और साथ ही में इनका अगर इस खेल के गेम के तहत अगर इनका डेथ हो जाती है बाई चांस, अगर कोई गोविंदा आप जानते हैं कितने ऊँचे ऊँचे लोग खड़े हो जाते हैं गोविंदा के बंद के, है ना, दही हांडी जब फोड़ी जाती है तो एक पिरामिड सा तैयार करते हैं पूरा, और बाई चांस गिर जाते हैं तो कोई दब गया और उसकी किसी में किसी की लॉस हो गया, कोई डेथ हो गई किसी की, तो उसमें उनका 10 लाख का इंश्योरेंस किया जाएगा। और अगर कोई हैंडीकैप हो गया तो उसे 5 लाख दिए जाएंगे, 5 लाख का मतलब इंश्योरेंस किया जाएगा, उनका इंश्योरेंस होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द ऑटोबायोग्राफी टाइटल मैडम सर, मैडम सर नामक आत्मकथा के लेखक कौन है? तो आपका ऑप्शन है मंजरी जरूहर, किरण बेदी, कंचन चौधरी, आर श्रीलेखा। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए मंजरी जरूहर। जी हाँ, मंजरी जरूहर जी लेखक हैं मैडम सर एक ऑटोबायोग्राफी ऑफ इन्हीं खुद की बायोग्राफी है जिसका नाम है मैडम सर। और आपको बता दें ये 1 of the 5 वुमेन पुलिस ऑफिसर है, जो कि मतलब पहली 5 महिलाओं पुलिस ऑफिसर में से एक हैं ये। और आपको बता दें ये इन्हें इंडियन पुलिस मेडल भी मिल रखा है, और साथ ही में ये बिहार की पहली वुमेन पुलिस ऑफिसर भी हैं, ठीक है। और आपको बता दें ये 1976 की IPS हैं ये, और ये जो अब तो ये रिटायर हो गई हैं, ठीक है, पर कौन से पोस्ट रिटायर हुई हैं, ये थी स्पेशल डायरेक्टर जनरल, मतलब स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ CISF, यहाँ पे ये पोस्टेड थी, इस पोस्ट से ये रिटायर हुई हैं। और प्रेजेंटली मतलब हाल ही में प्रेजेंट टाइम में ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की एडवाइजर हैं ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्मेंटिस 3 इज द क्रूड मून लैंडिंग मिशन ऑफ विच कंट्री, मतलब आर्टेमिस 3 किस देश का क्रू मून लैंडिंग मिशन है? तो आपका ऑप्शन है जापान, USA, UK या ऑस्ट्रेलिया। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी अमेरिका, मतलब USA। जो आर्टेमिस 3 मिशन है ये नासा का मिशन है, और इसमें क्या रहेगा, पहले ये करेंगे जो चांद का जो क्या नाम लूनर साउथ पोल है, तो आप देखते हैं यहाँ कर्सर जो आप ये साउथ पोल है, यहाँ पे क्या नाम है लोगों को भेजेंगे, अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजेंगे, क्योंकि ये जो पोर्शन है ना साउथ पोल लूनर साउथ पोल है ये अभी तक एक्सप्लोर नहीं हो पाया सही से, इसलिए नासा यहाँ पे 2025 में ये मिशन लॉन्च करेगी और यहाँ पे अपने एस्ट्रोनॉट्स भेजेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन स्टेट लॉन्च दी कृष्णा कुंज प्लांटेशन ड्राइव, किस भारतीय राज्य ने कृष्णा कुंज वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है? तो आपका ऑप्शन है पंजाब, गुजरात, बिहार, छत्तीसगढ़। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल द्वारा इसकी शुरुआत की गई है जिसका नाम है कृष्णा कुंज। इसके तहत ये प्लांटेशन ड्राइव मतलब पेड़ लगाने का ड्राइव है, और ये कब की गई थी, ये की गई थी जन्माष्टमी पे, इसका जो उद्घाटन है वो किया गया था जन्माष्टमी के जन्माष्टमी वाले दिन इसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो आपका ऑप्शन है मैसूर, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी पुणे। जी हाँ, पुणे के अंदर भारत की स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का उद्घाटन किया गया है। और आपको बता दें ये किसके द्वारा डेवलप की गई है, डेवलप की गई है KPIT CIS द्वारा पुणे के अंदर, और अनविल किसके द्वारा किया गया, उद्घाटन अनविल की गई है जितेंद्र सिंह द्वारा, जो कि हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और आपको बता दें ये एक
हाइड्रोजन फ्यूल मतलब क्या है, ना ही ये इलेक्ट्रिक बस है, ना ही ये पेट्रोल से चलेगी, ना ही डीजल से चलेगी, ये एक अलग ही मतलब एक ग्रीन गैस हम कहते हैं हाइड्रोजन गैस, उस पर चलेगी ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द 3.5 किलोमीटर लॉन्ग ट्रेन विच वॉज रिसेंटली टेस्टेड, मतलब 3.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन का नाम क्या है जिसका हाल ही में परीक्षण किया गया था। तो आपका ऑप्शन है भारत फ्रेट, सुपर वासुकी, इंडिया फ्रेगेट या भारत गुड्स। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, सुपर वासुकी। जी हाँ, जो इंडियन रेलवे है उसने 3.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन है जिसका नाम रखा गया सुपर वासुकी, उसका टेस्ट किया गया है। इसमें टोटल 295 वैगन्स थी, मतलब बोगियां थी, और इसके अंदर जो वजन था वो टोटल वजन था 27,000 टन्स, जो कि कोयला भरा गया था। और ये कहाँ है, ये कोरबा डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ की, वहाँ से राजनंदा गांव जो जगह है नागपुर के अंदर उसके बीच में ट्रेन चलाई गई थी। और आपको बताएं ट्रेन की जो लंबाई थी वो 3.5 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर थी। और आपको बता दें इससे पहले और भी क्या ना ट्रेनें लंबी लंबी चलाई गई है, जैसे वासुकी है, त्रिशूल हो गया, ये मतलब लास्ट ईयर चलाई गई थी। और अभी तक जो 2.8 किलोमीटर लॉन्ग जो शेषनाग ट्रेन है वो भी चलाई गई थी, जो 2.8 किलोमीटर है। ठीक है, उसका नाम क्या था, उसका नाम था शेषनाग। तो आप ये याद करिएगा, जब वासुकी हो गया, त्रिशूल हो गया, ये भी ट्रेन थी। ठीक है, ये भी लंबी ट्रेन ही है, लंबी लंबी। ठीक है, और जो शेषनाग है वो भी लगभग 2.8 किलोमीटर लंबी ट्रेन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट हैज़ इनोग्रेटेड द राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, मतलब आरकेट, किस राज्य ने राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर आरकेट का उद्घाटन किया है। तो आपका ऑप्शन है पंजाब, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, राजस्थान। जी हाँ, राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, उन्होंने राजीव गांधी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टेक्नोलॉजी मतलब आरकेट का उद्घाटन किया है। और इसके अंदर क्या जाएगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाएंगे और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आपको लोगों को ग्रेजुएट किया जाएगा। ठीक है, और साथ ही में ये जो है वो उन सभी को सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज़ द वेन्यू ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन पुलिस, मतलब महिला पुलिस के राष्ट्रीय सम्मेलन का स्थल कौन सा है। तो आपके ऑप्शन है लखनऊ, शिमला, मैसूर, चंडीगढ़। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, शिमला। जी हाँ, शिमला में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन पुलिस ऑर्गेनाइज की गई थी। ये दो दिन के लिए ऑर्गेनाइज की गई थी, और किसके द्वारा की गई थी, ये ऑर्गेनाइज की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट द्वारा, जो शिमला के अंदर है। ठीक है, और किसके साथ मिलकर की गई थी, ये हिमाचल पुलिस द्वारा मिलकर की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट इज सेट टू सेट अप स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम मॉडल कॉलेजेस अक्रॉस द स्टेट, मतलब कौन सा राज्य राज्यभर में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम मॉडल कॉलेज स्थापित करने के लिए तैयार है। तो आपका ऑप्शन है पंजाब, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। जी हाँ, छत्तीसगढ़ वह राज्य है जो इसका ये योजना शुरू करने के तैयार है। आपको बता दें स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम मॉडल कॉलेजेस के तहत इस इंग्लिश मीडियम जो है वो कॉलेज खोले जाएंगे छत्तीसगढ़ के अंदर। आपको बता दें हाल ही में क्या नाम है, इस प्रेजेंट कोई भी इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है छत्तीसगढ़ के अंदर। इसी के तहत ही क्या निकाला जाएगा कि 76 नए क्या नाम इंग्लिश मीडियम कॉलेज खोले जाएंगे पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज गरबा विच वॉज नॉमिनेटेड बाई इंडिया टू बी इंस्क्राइब्ड ऑन यूनेस्कोस इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट, मतलब यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में अंकित होने के लिए भारत द्वारा नामित गरबा क्या है। तो आपका ऑप्शन है वो एक फेस्टिवल मतलब त्यौहार है, ये एक डांस फॉर्म है, आर्ट फॉर्म है या मॉन्यूमेंट है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, ये एक डांस फॉर्म है। गरबा आप जानते हैं डांस फॉर्म है। आपको बता दें ये गरबा को इंडिया ने नॉमिनेट किया है यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट के अंदर। और आपको बता दें लास्ट ईयर ही सरकार ने
इस लिस्ट के अंदर दुर्गा पूजा को डाला था। और आपको बता दें कि टोटल अभी तक इंडिया ने 14 ऐसी एलिमेंट 14 मतलब एलिमेंट्स को डाला गया है अपने किसमें, यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट के अंदर। और आपको बता दें जो ये इंटेंजिबल यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज एंड ह्यूमैनिटी में इसके अंदर एलिमेंट इंक्लूड किए जाते हैं वो है म्यूजिक, डांस, थिएटर, फेस्टिवल्स, रिचुअल्स और स्टोरी टेलिंग। ठीक है, तो आपको लिस्ट दे रहा हूँ 14 जो इंडिया ने अभी तक रखे हैं लिस्ट में से। आज लास्ट ईयर अभी तो हाल ही में उसका नॉमिनेट अभी तो नॉमिनेट किया गया है खाली गरबा को, इससे पहले दुर्गा पूजा ऐड कर दी गई है, योगा ऐड कर दिया गया है, वैदिक चैंटिंग ऐड कर दी गई है। ठीक है, ऐसे करके टोटल गवर्नमेंट ने 14 चीज़ें ऐड करवा दी हैं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया रिसेंटली इनोग्रेटेड दी न्यू इंडियन एम्बेसी इन विच कंट्री, मतलब भारत ने हाल ही में किस देश में नए भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है। तो आपका ऑप्शन है माल्टा, पैरागुए, ईरान, वेनेजुएला। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी पैरागुए। जी हाँ, पैरागुए में हमारे यूनियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, इनके द्वारा पैरागुए के अंदर इंडियन एम्बेसी का उद्घाटन किया गया है। और आपको बता दें कि इसे 60th एनिवर्सरी हुई थी हमारी, क्या नाम है, पैरागुए के साथ, मतलब हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशन हुए उसको 60 साल हो गए थे। उसके उपरांत हमने पैरागुए के अंदर अपनी एक एम्बेसी ओपन कर दी है। आप देखते हैं पैरागुए के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और अपने मिनिस्टर दोनों ने उद्घाटन कर रहे हैं इंडियन एम्बेसी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज दी वेन्यू ऑफ दी स्किल मार्क एक्सपो विच वॉज रिसेंटली इनोग्रेटेड। स्किल मार्क एक्सपो का स्थल कौन सा है जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था। तो आपका ऑप्शन है अहमदाबाद, कोयम्बटूर, न्यू दिल्ली, मैसूर। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी न्यू दिल्ली। तो आपको बता दें सिल्क मार्क एक्सपो जो हमारा है उसका जो उद्घाटन है वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेक्सटाइल दर्शना जारदोस द्वारा किया गया है। और आपको बता दें सिल्क मार्क एक्सपो जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया है सिल्क मार्क ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया द्वारा। और किसके अंडर किया गया है, ये अंडर किया गया है सेंट्रल सिल्क बोर्ड और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर। आपको बता दें इसका जो माइलस्टोन है वो आज़ादी का अमृत महोत्सव है और ऐसा यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेक्सटाइल ने कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे में बता रहा आपको मिथिला मखाना जो है, मिथिला मखाना विच वॉज अवॉर्डेड दी जियोग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब जिसे हम कहते हैं जीआई टैग कहते हैं, वो मिला है इस कल्टिवेटेड इन विच स्टेट। भौगोलिक संकेत जीआई टैग से सम्मानित मिथिला मखाना की खेती किस राज्य में की जाती है। तो आपका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी बिहार। जी हाँ, जो मिथिला मखाना है इसकी जो खेती है बिहार के अंदर की जाती है और इसको जीआई टैग मिलने से जो मिथिला बिहार के जो 5 लाख फार्मर जो किसान हैं उनको फायदा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट यूटी रिसेंटली लॉन्च दी सीएम्स माइक्रो फाइनेंस स्कीम, मतलब हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मुख्यमंत्री की सूक्ष्म वित्त योजना शुरू की है। तो आपका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, नागालैंड, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी नागालैंड। यूनियन फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर मिनिस्टर निर्मला सीतारमन द्वारा लॉन्च किया गया है सीएम्स माइक्रो फाइनेंस स्कीम नागालैंड के अंदर। इसके तहत जो मिनिस्टर्स हैं उनको हैंडओवर किया गया है, जो लोन हैंडओवर किया है वो किया गया है 205 करोड़ का, 2-3,000 बेनिफिशरी, मतलब 205 करोड़ का लोन प्रोवाइड किया गया है 3,000 लोग बेनिफिशरीज लोगों के लिए। आपको बता दें ये माइक्रो फाइनेंस स्कीम है, इसमें क्या होगा आपको किफायती दरों पे आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ ही आपको बता दें जो उसमें फंडिंग पैटर्न होगा है ना वो इस हिसाब से होगा, बेनिफिशरीज कंट्रीब्यूशन जो कोई काम होगा उसमें क्या होगा कि 10% जो बेनिफिशरी होंगे उनका कंट्रीब्यूशन होगा, बैंक लोन जो होगा वो 60% होगा और
जो सरकार द्वारा सब्सिडी प्रोवाइड जाएगी, नागालैंड की सरकार जो है उसके द्वारा जो सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी वो 30% होगी। मतलब 100 रुपये पे 10 रुपये जो होंगे वो उसी के होंगे जो लोन ले रहा हो, जो उसका मतलब बेनिफिशरी होगा उसका 10 रुपये होंगे, और 60 रुपये होंगे वो बैंक के लोन द्वारा दिए जाएंगे, बैंक द्वारा दिए जाएंगे लोन पे, और साथ ही जो 30 रुपये हैं वो नागालैंड की सरकार है वो सब्सिडी के रूप में आपको देगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट यूटी इज सेट टू बिल्ड द कंट्रीज फर्स्ट एजुकेशन टाउनशिप, मतलब कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश देश का पहला एजुकेशन टाउनशिप बनाने के लिए तैयार है? तो आपका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार प्लान कर रही है कि वो एक बनाए एजुकेशन टाउनशिप अपने राज्य के अंदर, और इसका जो आइडिया है वो योगी आदित्यनाथ द्वारा रखा गया है। और आपको बता दें ये किसके उस पर डेवलप की जाएगी आइडिया पे, सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट, मतलब सिंगल एक एंट्री होगी और मल्टीपल कई सारे एग्जिट होंगे, मतलब कई सारे ऑप्शन दे देंगे आपको जिससे कि आप वहाँ से एंट्री हो और आपके कई सारे स्किल्स के अंदर रखे जाएंगे, मतलब आपको स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी, हाई क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी लोग बच्चों को, और सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और एक ही जगह पे मतलब मल्टीपल स्किल्स आपको एक ही जगह पे कराई जाएगी और एक ही सिंगल प्लेस के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका ऑप्शन है राजीव कुमार, एस सोमनाथ, जी सतीश रेड्डी या समीर वी कामत। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, समीर वी कामत। तो आपको बता दें समीर वी कामत को अपॉइंट कर दिया गया है सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड चेयरमैन ऑफ द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब DRDO के ये सेक्रेटरी प्लस चेयरमैन अपॉइंट कर दिए गए हैं। और आपको बता दें इससे पहले जो चेयरमैन थे वो थे जी सतीश रेड्डी जी, जो कि अब रिटायर हो गए अपने पद से। और अब बता दें जो समीर वी कामत थे वो इस जो अभी जो क्या नाम है इन्हें अपॉइंट किया गया है चेयरमैन, इससे पहले ये डायरेक्टर जनरल थे नेवल सिस्टम एंड मटेरियल्स के, और अभी ये हो गए DRDO के चेयरमैन और साथ ही में सेक्रेटरी भी। पर जो जी सतीश रेड्डी हैं ये अब हो गए हैं एज साइंटिफिक एडवाइजर टू डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, मतलब हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके साइंटिफिक एडवाइजर हो गए हैं जी सतीश रेड्डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट मिसिस द्रौपदी मुर्मू विल कन्फर द नेशनल अवार्ड टू टीचर्स, मतलब नेट, फॉर द ईयर 2022 टू हाउ मेनी टीचर्स, मतलब राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू कितने शिक्षकों को वर्ष 2022 के लिए शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी? तो आपका ऑप्शन है 75, 50, 46, 40। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी 46। जी हाँ, 46 टीचर्स को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया जाएगा। कब? सितंबर 5 को, मतलब टीचर्स डे वाले दिन। और कहाँ पे किया जाएगा? ये विज्ञान भवन में किया जाएगा। और आपको बता दें इसके तहत जो टीचर अवार्ड मिला जाएगा इसके तहत इन टीचर्स को 50,000 रुपीज मिलेंगे और साथ ही में एक सिल्वर मेडल मिलेगा। तो आपको थोड़ी जानकारी और देने, जैसे 46 की अभी तो लिस्ट निकली है, वैसे 5 सितंबर को तो इन्हें अवार्ड दिया जाएगा, पर लिस्ट जो है अभी निकाली गई है। किसके द्वारा निकाली गई है ये लिस्ट? निकाली गई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा, और इन्होंने एक फाइनल लिस्ट अभी तैयार कर दी है जिसके तहत द्रौपदी मुर्मू जी इन 46 टीचर्स को अवार्ड देंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच एडिशन ऑफ शिमला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल स्टार्टेड ऑन 26 अगस्त 2022, 26 अगस्त 2022 को शिमला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? तो आपका ऑप्शन है 5th, 6th, 7th, 8th। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी 8th। जी हाँ, 8th एडिशन शुरू हुआ है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शिमला के अंदर। और बता दें आपको ये हुआ चलेगा आपका 26 अगस्त से 28 अगस्त तक गायत्री थिएटर के अंदर, और थिएटर पे, और ये कहाँ पे? द रिज शिमला के पास। और किसके द्वारा बताया गया है? ये बताया गया है पुष्प राज ठाकुर द्वारा, जो कि फेस्टिवल के डायरेक्टर हैं। और आपको बता दें इस टाइम
इस फेस्टिवल में टोटल 81 फिल्म्स होंगी, स्क्रीन्स करी जाएंगी, और इसमें इसमें से टोटल जो क्या नाम है 27 फिल्म्स होंगी, 81 में से 27 फिल्म्स होंगी वो इंटरनेशनल कैटेगरी की होंगी, 34 फिल्म्स जो होंगी वो इंडियन फिल्म्स होंगी, और जो 4 फिल्म्स होंगी वो हिमाचली फिल्म्स होंगी, ठीक है, और 15 फिल्म्स होंगी वो नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म्स होंगी। और आपको बता दें इस टाइम इस फिल्म में टोटल 17 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी, जैसे कनाडा, अमेरिका, लेबनान, स्पेन, ईरान, ताइवान, ब्राज़ील, आइसलैंड, सिंगापुर, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, बेल्जियम, डेनमार्क, रशिया एक्सेट्रा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनंगताल नेक विच हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड ए मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस इज लोकेटेड इन विच स्टेट यूटी। अनंगताल झील जिसे हाल ही में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका ऑप्शन है पंजाब, गुजरात, न्यू दिल्ली, छत्तीसगढ़। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली। जी हां, अनंगताल लेक जो है साउथ दिल्ली के अंदर है, और इसे अब डिक्लेयर कर दिया गया है मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, और किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा। आपको बता दें ये जो इसको जो है ना, जैसे आप जब नेशनल मिशन ऑफ मॉन्यूमेंट एंड एंटीक्विटीज ट्रेडिशन की वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो आपको वहाँ पे इनके बारे में जानकारी देखेंगे, तो वहाँ पे बता रखा है कि जो थॉमस किंग थे जिनका नाम था अनंगपाल द्वितीय, उनके द्वारा जो बिल्डर ऑफ जो लाल कोट के बिल्डर थे उनके द्वारा ये लेक बनाई गई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर दी 2022 पुलित्जर प्राइज? आपको बताना है 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो आपका ऑप्शन है फहमीदा अजीम, एंजेला मार्केल, व्लादिमिर ज़ेलेंस्की, जो बाइडन। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, फहमीदा अजीम। जी हाँ, फहमीदा अजीम जी को मिला है 2022 का पुलित्जर प्राइज। आपको बता दें किस कैटेगरी मिला है, ये मिला है इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री कैटेगरी के अंदर इन्हें ये प्राइज मिला है। आपको बता दें ये बांग्लादेश की है, मतलब इनका जन्म बांग्लादेश में हुआ है, पर ये ऑनलाइन मैगजीन जो है USA की उसमें काम करती हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।